फ्रेंड्स, सबसे मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ लेसन वन रियल नंबर्स के बारे में, जो कि पांच जो कि मेन टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इन पांच टॉपिक्स के बाहर कुछ नहीं आया, बस कुछ क्वेश्चन चेंज होकर आ सकते हैं। मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको हर एक मैथड के, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के, या फिर मैं कह सकूँ हर एक टॉपिक्स के, मैं आपको तीन तीन एग्जाम्पल्स पक्का दूंगा ही दूंगा। तो बस पांच होते हैं ऐसे, मैं पांच ही नाम से यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले आता है अपना, आपको चाहे तो एचसीएफ और एलसीएम, बहुत ही बड़ा मेन टॉपिक है जिसकी मैंने पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया एचसीएफ और एलसीएम होता है, और दूसरे पर आता है आपका, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि भाई प्रूफ करना है कि भाई ये रूट फाइव है वो एक इरेशनल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कुछ आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, और इसी का एक थर्ड पार्ट होता है, जिसे भाई कि भाई एक तो होता है केवल रूट फाइव, इकल्ला रूट फाइव रूट टू ऐसे दिया होता है, और एक दूसरा होता है जैसे रूट टू प्लस वन, रूट फाइव प्लस वन इरेशनल नंबर होता है या नहीं। तो मैंने आपको तीन के बारे में बता दिया है। चौथे नंबर पर आता है, आपके पास आ सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऐसे दिया होता है, एलसीएफ आपको दिया होता है और आपको एलसीएम निकालना होता है, और आखिरी होता है कि आपको एक दिया होगा कि जैसे मैं आपको एग्जांपल ले बताता हूँ, चेक वेदर सिक्स एन कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। एक मैं इस क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ये पांच क्वेश्चंस हैं, इनके मतलब क्वेश्चंस आपको चेंज करके दे सकता है, और इससे बाहर इस लेसन वन में कुछ भी नहीं है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ पहला, जो कि मैंने बताया था एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम जो मैंने करवाया था आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर एचसीएफ एंड एलसीएम को देख सकते हैं। और दूसरे की मैंने बताया था आपको इरेशनल नंबर, तो पहले एचसीएफ बता दिया मैंने, एलसीएम बता दिया, दो हो गए। अब मैं बताता हूँ आपको इरेशनल नंबर के बारे में, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है इरेशनल नंबर। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। देखिए मैंने अपना पहला क्वेश्चन लिया, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ कि भाई हमें बताना, हमें प्रूव करना पड़ता है कि भाई रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है। चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम रूट टू को रेशनल नंबर मान लेते हैं, हम रूट टू को एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि भाई रूट टू एक रेशनल नंबर है, तो हम इसी से हमारा आंसर निकालेंगे। जैसे रूट टू हमने रेशनल नंबर मान लिया, तो रेशनल नंबर मान लिया तो भाई ये बात तो पक्का होगी कि भाई रूट टू है पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है कि भाई कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू इक्वल ना हो जीरो के। हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा ही होगा, रूट टू हमने पी बाई क्यू की फॉर्मूले लिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे P एंड Q आर को प्राइम्स। आपने को प्राइम्स के बारे में पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास के अंदर। को प्राइम्स का मतलब होता है कि भाई ये दोनों के दोनों नंबर्स में से कोई ना कोई प्राइम होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सेट देके दिखाता हूँ, जैसे टू बाई थ्री, यहाँ पे थ्री है वो एक प्राइम है, और ये दोनों हो गए ये को प्राइम। ये बात आपको समझ में आई, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि कैसे। देखिए यहाँ पे ये रूट टू है, अब ये रूट टू है, अब ये रूट टू को हम क्या कर देंगे, इस साइड आके यहाँ पे इसके वन आ जाएगा, अब इसके नीचे, अब आपको सभी को पता है जिसके नीचे कुछ नहीं रखा, हम उसके नीचे वन लगा सकते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, अब ये क्यू है, ये जहां पर डिवाइड में है तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा, जैसे कि यहां पे हो जाएगा रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी। दैट्स क्लियर।
अब जो रूट है हम स्केयरिंग कर देंगे, हम दोनों साइड स्केयर करेंगे तो स्केयर के साथ स्केयर कर देंगे तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना, तो हम स्केयर कर देंगे दोनों साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम स्केयरिंग कर देंगे दोनों इस दोनों साइड की, रूट टू का क्यू का होल स्केयर इज इक्वल टू पी का होल स्केयर। ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए अब इसका मतलब है कि भाई रूट टू का भी स्केयर और क्यू का भी स्केयर, तो टू के साथ तो ये कट गया ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास टू, और क्यू के ऊपर नहीं कटा तो यहाँ पे टू क्यू का स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर होता है पी का। ये बात आपको क्लियर। हम इस वाली चीज को जो ऊपर आया था हमारे स्केयरिंग करने के बाद, इसको हम इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, टू क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी। अभी क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्केयर डिवाइड बाय टू। भाई आप हमने क्या कहा था यहाँ पे कि भाई पी स्केयर एंड क्यू आर को प्राइम, को प्राइम मतलब वो खुद से डिवाइड होंगे, ये खुद से डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो भाई पी स्केयर तो भाई टू से डिवाइड हो रहा है तो हमारी तो इक्वेशन ही गलत हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, पी स्केयर इज डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। तो पी भी क्या है, वो डिविजिबल होगा टू से, ये बात तो पक्का है ना। तो अब हम क्यू को भी डिविजिबल कर देंगे टू के साथ, तो अब हमारी हमारी जो हमने जो माना था यहाँ पे कि टू इरेशनल नंबर है वो गलत हो जाएगी और ये इरेशनल नंबर इसका आंसर निकल जाएगा। तो चले हम क्यू को कैसे मानेंगे, तो हम पी को हमने देख ही लिया कि पी है वो यहाँ पे आता है, पी इज ऑल्सो डिविजिबल, यानी मेरे कहने का मतलब है कि पी पी है वो इक्वल, वो पी है वो डिविजिबल होगा टू के, पी क्या है डिविजिबल होगा टू के, और ये इज इक्वल टू किसके था, क्यू के, ये इज इक्वल टू था, टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्यू की जगह कुछ और नाम रख लेते, चलिए हम के रख लेते हैं, या हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन तो हम ई रख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पी इज इक्वल टू टू ई। ये आपको रफ में करना है और यहाँ पे आगे हम लिख देते हैं पी इज इक्वल टू टू ई, हमें टू ही लेना है क्योंकि डिविजिबल बाय टू था। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे टू ई कैसे हुआ, तो टू ई हो गया है। अब हमें यहाँ पे लिख देना है पी है, हम लिखेंगे पुट पी इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी इक्वेशन नंबर वन निकली थी, इक्वेशन नंबर वन ये वाली, इसके अंदर हमें पी की वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे कि ये थी हमारे पास टू क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर। देखिए टू क्यू का स्केयर ऐसे ही रहेगा इक्वल टू पी का, पी की वैल्यू हमारे पास निकले टू ई का होल का स्केयर। अब आगे क्या होगा, टू क्यू स्केयर इज इक्वल टू का स्केयर क्या होता है फोर ई का स्केयर, ये हमारे पास बच जाएगा। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब वहां पे मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड में हो जाए, टू क्यू डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू में आ जाएगा ई का स्केयर। देखिए आप समझे नहीं, पहले थी ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास टू क्यू इज इक्वल टू टू ई का होल का स्केयर, टू ई का स्केयर होता है फोर ई स्केयर, टू ई का स्केयर होता है फोर क्यू का स्केयर, जब फोर क्यू का स्केयर हो गया तो हमने यहाँ पे फोर ई का स्केयर, सॉरी फोर ई का, फोर ई का स्केयर हो जाता है यहाँ पे, तो फोर ई का स्केयर जब मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके भाई ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये फोर, तो यहाँ पे आने के बाद ये कट जाएगा भाई टू के साथ, यहाँ पे आएगा क्यू डाय, क्यू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू ई का, तो भाई यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, क्यू इज डिविजिबल, Q is divisible by 2. अब यहां पर हम नीचे लिखेंगे our attemption, जो हमने माना था वो गलत हो गया, प्लीज रोंग attemption है वो रोंग हो गई है, सो रूट रूट टू
इज एन इरेशनल रूट टू, वो क्या निकल गया भाई, इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमारा प्रूव हो चुका है रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह जहां जहां पर रूट टू है उसकी जगह पर रूट फाइव कर लीजिए, और जहां जहां पर टू है उसकी जगह फाइव करेंगे तो रूट फाइव का निकल जाए, ऐसे ही सेवन का निकल जाएगा, ऐसे ही नाइन का निकल जाए, ऐसे ही थर्टीन का निकल जाए, ऐसे ही इलेवन का निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे, मैंने आपको बताई थी फोर्थ, मैंने हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपको बताया था कि आपको एलसीएम दिया हो सकता है और आपको एलसीएम निकालना हो सकता है। तो देखिए चलिए हम बताता हूँ मैं आपको कैसे। आप फोर्थ बता देखिए, मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, गिवन दैट एलसीएम 30657 का है 9 है भाई, तो हमें एलसीएम निकालना है। मैंने आपको एलसीएम का, मेरी वीडियो अगर आपने पिछली बार देखी थी तो आपको पता लग जाएगा, तो आपको पता ही होगा एलसीएम का फार्मूला। मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए तो एलसीएम का फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर, जो कि फर्स्ट नंबर हमारे पास 306, सेकंड नंबर है जो हमारे पास 657, और डिवाइड बाय एचसीएफ, और एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे 9 गिवन है। तो हमें क्या करना है, बस इसको देख हमें पुट कर देना है। जैसे देखिए हमारा फर्स्ट नंबर है 306, हम 306, सेकंड नंबर है 657, और हमारे पास एचसीएफ है 9। तो चलिए हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको अब कट कर देते हैं। अब हम इसको 3 पे ले जाएंगे, 3 पर जाएगा 103 आ गया। 3 पर काटने पर हमारा आ जाता है यहाँ पर, अब मैं 3 को 657 से कट करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 3 1 27 209। अब हमारे पास क्या बचता है, हमें 103 को मल्टीप्लाई करेंगे 219 के साथ, तब हमारा एलसीएम है वो निकल जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाता है 2 2 5 5 7, हमारे पास आ जाता है 2 2 5 5 7। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। तो 2 2 5 5 7 हमारा एलसीएम निकल गया। तो हमारा जो मैंने फोर्थ पार्ट बताया था वो भी हमारा कंप्लीट हो। तो बात करता हूँ मैं हमारे फिफ्थ पार्ट की, जो मैंने बताया था आपको कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है चेक वेदर 6 की पावर कुछ भी हो सकता है 6 की जगह भी, तो हम 6 को लेकर 69 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। तो चलिए मैं आपको ये वाला भी करके दिखा देता हूँ। आपके स्क्रीन पर मैं दे दूंगा जी, आपको दिखाई दे रहा होगा, चेक वेदर 6 एन कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर अ नेचुरल नंबर एन। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए किस बात की शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे, सबसे पहले हम दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई वो डिजिट है वो एंड कर रहा है 0 के साथ। तो देखिए हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखिए, पहले 1 आता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इनमें से किसके पीछे पर 0 लगा, पीछे लगा हुआ है 10 के पीछे 0 है। तो अब हमारा नंबर लेट डिजिट विच एंड्स विद 0 इज 10, टेन मान लिया उसको, क्या मान लिया हमने उसको, 10 मान लिया। तो अब हमारा 6 एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10, जो कि हम मैंने बताया आपको जो एंड करते 0 सबसे पहला छोटा नंबर है 10। तो 10 मल्टीप्लाई हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, आप कोई भी रख लीजिए, चलिए हम के रख लेते हैं, या फिर हम रख लेते हैं हमारा ई जो कि हमारे एजुकेशन हिंदी चैनल का है। तो यहाँ पे आ जाए 6 एन 10 मल्टीप्लाई ई, तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, हम 3 मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हैं हमारे 6 को, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना, तो हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसकी भी हम 10 की फैक्टर्स बना लेते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 डिजिट 10 मल्टीप्लाई ही 10 मल्टीप्लाई
अब मैं 3 की पावर भी n है, 2 की पावर भी n, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3n मल्टीप्लाई 2n लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू में आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई e। दैट्स क्लियर। तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, तो देख सकते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई 3n मल्टीप्लाई 2n, क्योंकि दोनों ही एक प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स है, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स है, तो भाई कैसे भाई 6n है वो इक्वल हो जाएगा कि भाई जो डिजिट आ रही है लास्ट में 0। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ये भाई पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि एस 6 की पावर n कैन हैव 2 and 3 primes only। अभी इसके और भी होने हैं, तो हम लिखेंगे hence there is no n for which, no n, n का मतलब यहाँ पे है number, तो हम यहाँ पे कर देती है, आपको समझ में आ जाएगा, no number for which 6n ends with 0। चलो मैं आपको एक बार प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चले n की पावर एक बार मैं 2 लेकर देखता हूँ, और n की पावर एक बार मैं 3 लेकर देखता हूँ, और n की पावर एक बार मैं 4 लेकर देखता हूँ। इन तीन से मैं आपको बता दूंगा कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 6 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो मेरे पास आता है 36। जो 36 आ रहा है तो इसके पीछे 6 है, 0 नहीं है। और उसके बाद अगर मैं कहता हूँ 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 होता है 216, तो 216 के पीछे भी 6 आता है। मतलब आप जिससे भी करेंगे तो उसके पीछे 6 आएगा भाई, 10 0 नहीं आ सकता। चलो मैं आपको 6 की पावर 4 का भी करके दिखा देता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता है। तो अगर मैं 216 की मल्टीप्लाई दोबारा 6 के साथ करता तो मेरे पास आंसर आता है 1296। तो इसके बाद भी 6 आ रहा है भाई, जो कि इक्वल नहीं होता 0। तो ये आपको, ये अपने सम में नहीं लिखना है, तो मैं केवल आपको समझाने के लिए कह रहा था कि भाई ये नहीं हो सकता। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। भाई मेरे को एक घंटा सा बनाना ही नहीं आ रहा, लेकिन एक घंटा है, इसको भी प्रेस कर देना कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, मेरा नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मिलेंगे हम एक और वीडियो के साथ। लाइक और कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।